एक बार ऐसा हो गया है, मेरा एक दोस्त है वो अमेरिकन जेल में है इस समय अपना पत्नी के साथ। उसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो भारत से अमेरिका गया तो उसको माहिती नहीं था कि अमेरिका इज ए डिफरेंट सोसाइटी। वो क्या किया, उसका जो पत्नी है वो और पति दोनों मिलकर एक बार शॉपिंग के लिए जाते थे, तो किसी रोड से वो गुजर रहे थे, एरिया न्यूयॉर्क का था, लोअर मैनहट्टन एरिया में, तो किसी रोड से जाते हुए उन्होंने एक छोटे बेबी को देखा, 3-4 ईयर्स का बेबी था, वो फुटबॉल को किक मार रहा था। उसका ताई कहीं खड़ा हुआ उसको वॉच कर रहा था, इनको माहिती नहीं था कि उसका ताई वॉच कर रहा है, तो उसने किक मारा, फुटबॉल रोड पे आ गया, इन्होंने गाड़ी रोका, फुटबॉल उठाया, वो बेबी को जाके दे दिया और गलती से उस बेबी को उठा लिया और उसका ताई ने देख लिया। इमीडिएट वो चिल्लाता हुआ नीचे आया और बेबी को छीन कर सीधे पुलिस स्टेशन में गया और उसने कंप्लेंट फाइल किया कि ये दो इंडियन टेररिस्ट हैं जो मेरा बेबी को लेके जा रहे हैं। पुलिस मैन ने इनका कुछ नहीं सुना, मेरा दोस्त और उसका पत्नी उसका कुछ नहीं सुना, वो सीधे जेल में डाल दिया। अभी उनको 14 ईयर्स का जेल हुआ, 14 ईयर्स। वो कुछ सुनता नहीं, एम्बेसी वालों को भेजा कन्विंस करने के लिए, वो किसी की बात नहीं सुनता। वो कहते हैं अमेरिका में कुछ नहीं है, अगर आपने किसी दूसरे के बेबी को उठाया, सपोज आप उसे प्यार करने के लिए उठाया, प्रेम करने के लिए उठाया, तो भी वो बोलेगा कि आप तो इसका एबडक्शन करना चाहते, अपहरण करना चाहते, और अपहरण का जो चार्ज आपके ऊपर लगा तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 14 ईयर्स का है। दिस इज द रियलिटी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। तो यहां बिल्कुल डिफरेंट है और वहां बिल्कुल डिफरेंट है। वो अच्छा है और हमारा खराब है, मैं ऐसा नहीं कहता, अच्छा है उनका खराब है ये भी नहीं कहता, लेकिन दोनों जगह डिफरेंस है, वो जानना चाहिए।